Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Think Car Academy, powered by STS. और ये कई बातों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बट वो आपको जैसे जैसे हम आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे वो आपको इसकी वजह भी पता लग जाएगी। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, मैं शहबाज भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो मतलब जैसे बोलते हो इंडिया और एशिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। एसटीएस जो है हाईटेक स्कैन टूल्स, एसटीएस इज नंबर वन, वो नंबर वन है और बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर अवार्ड उन्हें मिला है। उसके लिए उनको भी मुबारकबाद और उनके साथ जितने भी जुड़े हुए डीलर हैं उन सबको तहे दिल से मुबारकबाद। और जो मेन चीज पे आज जो वीडियो बन रही है, वहां पे एक कन्वेंशन हुई थी जिसमें शहबाज भाई ने भी अटेंड किया और दुनिया के बाकी जितने भी डीलर थे उनके नुमाइंदों ने और वो खुदों ने उनको उसको अटेंड किया, और वो था इनोवेशन एंड फ्यूचर। वो जो कन्वेंशन थी वो इसी के ऊपर थी कि इनोवेशन क्या क्या इनोवेशन है और आगे फ्यूचर क्या है। नाउ द पॉइंट इज कि इनोवेशन की अगर हम बात करें तो क्या जो हम कैन एफडी डीओआईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में यू नो काफी शोर शराबा मचा हुआ है, क्या वो इनोवेशन है? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ओके, और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो जैसे जैसे नीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका यू नो जो डेटा ट्रांसफर का रेट्स है वो बढ़ते जाएंगे, डेटा जो है उसका साइज बढ़ता जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चलते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। डीओआईपी एक पार्ट है, फ्लेक्सिबल डेटा कैन, एफडी कैन एक पार्ट है, यस। तो एज फार एज इनोवेशन, अगर उस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को हमारे अब स्कैनर जो है वो रीड कर पा रहे हैं तो वो इनोवेशन है, यू नो यस एंड नो। और जो रियल इनोवेशन है, आप बोर्ड पे आ जाओ, और जो फ्यूचर है वो आपको मैं एक छोटा सा उसका यू नो दिखा रहा हूं कि पहला मैंने लिखा है एचईवी, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उसमें मैंने लिखा है इंटरनल कंबशन इंजन है और हाई वोल्टेज बैटरी है। दूसरा है पीएचईवी, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन है और हाई वोल्टेज बैटरी है। तीसरी है बीईवी, जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है, सिर्फ हाई वोल्टेज बैटरी। ओके, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। तो अब जो इनोवेशन है, इनोवेशन इधर है, और अगर हम इनके बारे में बात करें और जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है वो ये है, और साथ में जाहिर सी बात है इन्हीं के जो टूल्स हैं वो ही फ्यूचर है। अब पीछे मैं क्या कर रहा था, पिछले 1.5 साल से प्रैक्टिकली मैं ऑफ द ग्रिड हूँ, बिल्कुल बाहर हूँ। तो पहले मैंने अपने दो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कोर्सेज थे वो कंप्लीट करे, उसके बाद जो मेन मुद्दा सामने आया वो ये था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये बहुत ही डेंजरस है। और जो मेरे को जैसे जितनों भी मेरे इंस्ट्रक्टर थे, चाहे वो इधर के हों बाहर के हों, सबका एक ही मुद्दा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही डेंजरस है। अच्छा भाई, क्या डेंजरस है? तो जाहिर सी बात है ये पता लगा कि साहब उसके अंदर जो जैसे एचईवी है, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हम बोलते हैं, माइल्ड और माइक्रो की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो जो ये वाली हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जिसे हम बात करते हैं, चाहे वो टोयोटा की हाईक्रॉस हो या मारुति सुजुकी की ब्रीजा हो या बाकी व्हाटएवर, वो उनके अंदर मिनिमम जो बैटरी पैक है वो 200 प्लस वोल्ट का है। तो जाहिर सी बात है हाई वोल्टेज यू नो घातक है, नो डाउट। और जो दूसरी गाड़ी है पीएचईवी, जिसमें प्लग इन हाइब्रिड है, उसमें
आपकी जो हाई वोल्टेज है वो और भी बढ़ी है। अब दोनों में फर्क ये है कि जो एच ई वी है वो शुरुआत में अपने उसमें चलेगी आपके बैटरी पे, हाई वोल्टेज बैटरी पे, और उसके बाद वो इंटरनल कम्बशन इंजन पे आ जाएगी। उसकी कोई इलेक्ट्रिकल बैटरी जो मतलब जो हाई वोल्टेज बैटरी की रेंज लिमिटेड। जो पी एच ई वी है वो बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, मतलब वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है कि वो बहुत लंबा उसका रेंज चलता है एज फार एज हाई वोल्टेज इज कंसर्न। और जब उसकी हाई वोल्टेज बैटरी यू नो कम होनी शुरू होती है तब आपका इंटरनल इंजन जो है इंटरनल कम्बशन इंजन स्टार्ट होता है, और उसका मेन काम जो ये होता है कि वो बैटरी को चलाए भी गाड़ी को, और साथ में जो बैटरी जो हैवी बैटरी है जो हाई वोल्टेज बैटरी है उसको चार्ज करे। बीईवी वेरी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़ी क्लियर है, उसके अंदर टोटली वो है। अब प्रॉब्लम ये है कि डेंजरस क्या है। डेंजरस नंबर वन और नंबर वन हाई वोल्टेज, ठीक है, उसको उस हाई वोल्टेज को समझने के लिए उसको डायग्नोज करने के लिए उसके अपने स्पेशल टूल है जो कि थिंकार जो है हमारी कंपनी वो पूरे बनाती है। और उसके साथ अगर हम एच ई वी की बात करते हैं तो जो उसके अंदर इंटरनल कम्बशन इंजन है वो भी कवर होता है आपके स्टैट टूल से। अब हम आ जाते हैं प्लग इन हाइब्रिड पे। पीएचईवी में अगेन कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक अच्छा खासा इंजन है, इंटरनल कंबशन और हाई वोल्टेज बैटरी है। अगेन हाई वोल्टेज इसमें नियरली 300 वोल्ट की बैटरी होगी, ओके, और जो बीईवी है उसमें 300, 400, 500 वोल्ट की बैटरी, 600 एंड राइट, ये बहुत लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी है तो उसके बारे में एट अ लेटर स्टेज हम बात करते रहेंगे। अब ये तो समझ में आ गया कि साहब हाई वोल्टेज जाहिर सी बात है मार देगी। तो जो इसमें असली मुसीबत है जो आपकी लिथियम बैटरी में मुसीबत है, पहले आपकी निकल मेटल हाइड्राइड होती थी NIMH, वो टोयोटा प्रियस में होती थी, अब वो सब खत्म हो गई है। अब आपकी जो बैटरीज है वो दो ही है मैक्सिमम जो दुनिया में चलती है, एक NMC है और एक LFP। अब इन दोनों बैटरीज के साथ क्या है, हाई वोल्टेज, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो बैटरीज हैं ये प्रैक्टिकली एक बॉम्ब है। बॉम्ब मतलब ये है कि अगर इसमें जरा सा भी इधर उधर हुआ तो थर्मल रनअवे हो जाएगा और ये बैटरी जो है ब्लास्ट कर देंगे। और खासकर इसमें जो जो हाई एनर्जी डेंसिटी वाली बैटरी है NMC, वो बहुत ही वोलेटाइल है। तो इनके साथ क्या है कि BMS आता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि अगेन आपके स्कैनर के साथ ही कनेक्ट होगा, वही आपको बताएगा कि आपकी जो बैटरी के सेल्स है अगर उनमें से जरा सा भी वो मिसबिहेव कर रहे हैं तो बिलीव यू मी NMC में इतना टाइम नहीं देगी गाड़ी या बैटरी की आप यू नो इसको गाड़ी को चलाते हुए वर्कशॉप तक ले जाओ, मोस्ट प्रोबेबली उतना टाइम भी नहीं मिलने वाला। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही वार्निंग साइंस आते हैं या कुछ भी आता है इमीडिएटली आपको करेक्टिव एक्शन लेने हैं, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन गाड़ियों की सबसे ज्यादा जरूरी बन जाती है इन बैटरीज की, क्योंकि इनमें BMS है, BMS आपका करेक्टिव मेजर लेगा। लेकिन इससे भी बड़ा ये एक और चीज है जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, वो है BTMS, बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, की इसके टेम्परेचर शूट अप ना करे, ना ये नीचे जाए ना ये ऊपर जाए। अगर वो नीचे जाएगा तो हीटर ऑन हो जाएंगे, अगर वो टेम्परेचर बहुत ऊपर जाएगा तो कूलिंग सिस्टम, और ये सारी जो बैटरी है आज की गाड़ियों में वो लिक्विड कूल्ड है, लिक्विड कूल्ड भी है और रेफ्रिजरेंट कूल्ड है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एयर कंडीशनिंग का आपका जो डक्टिंग है, मतलब जो एयर कंडीशनिंग का जो वो फ्रियॉन जो घूमता है आपका, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल गाड़ियों में घूमता है चाहे वो 134A हो या 1234YF हो, तो वो भी आपकी बैटरीज को ठंडा करने में वो काम करता है मोटर शोटर। बट मोटर वोटर में ऐसा कोई इतना ज्यादा कोई जानलेवा चीज नहीं है, इन गाड़ियों में ये जानलेवा है। अगर इसकी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो गए तो थर्मल रनअवे होगा और
तमाम तमाम। अब इन क्या हमारे जो ये पुराने स्कैनर हैं, क्या ये कंपैटिबल हैं इन एचईवी पीएचईवी बीईवी और जो भी अब ये नई गाड़ियां आने वाली हैं उनको, क्या ये कंपैटिबल है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। जितना मर्जी भी हम चाहें कि हाँ जी हम कर सकते हैं कर लेंगे, लेकिन नहीं। ये जो स्कैनर है, चाहे जितना मर्जी आप इसकी डाउटिंग करें, ये जो स्कैनर है ये इंटरनल कंबशन इंजन के लिए बने हैं और ये वहीं तक ही काम करेंगे। अभी ये भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो फ्लेक्सिबल डेटा कैन है, एफडी कैन है, या डीओआईपी है, वो जो एक एड्रेस प्रोटोकॉल है मॉड्यूल्स का, उसकी क्या यू नो वो इसके कंपैटिबल है या इसको सपोर्ट करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। सो ये सारी चीजें जो है माय फ्रेंड्स आने वाले टाइम में हम कवर करेंगे, और जो थिंक कार का हमारा और एसटीएस का मकसद है जो कि हमें दिया गया है इनोवेशन एंड फ्यूचर, तो ये इनोवेशन जो नए नए टूल्स आए हैं और वो कितने कारगर हैं और फ्यूचर में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आएगा और आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से एक मंथन होगा। हम अच्छी तरह से उसको यू नो वी विल पूरी मतलब एक उसका पूरा एक घोटा लगाएंगे कि भाई क्या होना है। एंड तो आई थिंक आज की वीडियो फॉर एन इंट्रोडक्शन इतनी काफ़ी है, और मैंने आपको बताया और मैंने क्या किया कि ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता लगी। ये पता यूँ लगी कि जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कोर्स ख़त्म करने के बाद फिर मैंने करा बैटरी, लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स कि लिथियम बैटरी बनती कैसे, तो उसका कोर्स किया। उसमें मुझे सारा पता लगा कि जितने सेल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, बीएमएस क्या होता है, बीडीएमएस क्या होता है, तो ये सारी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ है। उसके बाद अभी जो और हम बात कर रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस का कोर्सेज चल रहे हैं हमारे धीरे, जिसमें कि हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको चार्ज करेंगे सोलर पावर से, तो वो चीज़ का भी मेरा कोर्स चल रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स, और इसमें हम लोगों को जो घूम फिर के जो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेज है जिसे हम बैटरीज बोलते हैं, उनका माय डियर फ्रेंड्स आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बहुत बड़ा, और इनके जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ये ना तो आपके मल्टीमीटर से डायग्नोज होनी है, ना ये आपके किसी स्कैनर से डायग्नोज होनी है, ये कुछ नहीं होना। ये जब तक इनके स्पेशलाइज टूल्स नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा कि कैसे होगा। एंड लेटर ऑन जैसे जैसे ये टूल्स आपको मैं हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और जो थिंक कार अकेडमी है, नाम इसका अकेडमी इसीलिए रखा गया है कि हम लोग चार कदम आगे ही रहते हैं और अपने हाथ से जो चीज़ करते हैं वही बताते हैं। सो टिल वी मीट अगेन माय फ्रेंड्स, दिस इज अमित आहूजा, कैच यू अप सून, बाय बाय।